वीडियो ओरिजिनल होगी तो इसका मतलब आपको रिफंड नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल है। अगर दोस्तों आप कुछ फ़ोन ऑर्डर करो फ्लिपकार्ट से और गलती से उस फ़ोन की जगह कोई कुछ भी आ जाए, मतलब घड़ी आ जाए, साबुन आ जाए या वगैरह वगैरह कुछ भी आ जाए, तो ये दोस्तों आपको कैसा लगेगा आप ही सोचिए। ये बात दोस्तों फ्लिपकार्ट को हज़म नहीं होती है, और ये बात फ्लिपकार्ट को अच्छी लगती है कि नहीं लगती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो फ़ोन वगैरह बहुत बड़ा प्राइस 50,000-60,000 का फ़ोन ऑर्डर कर रहे हो, आईफोन वगैरह ऑर्डर कर रहे हो और उस ऑर्डर की जगह आपके डब्बे पर एक साबुन का डब्बा दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको आप ही सोचिए। तो भाई ये खबर दोस्तों फ्लिपकार्ट में आए दिन आती रहती है, उसका सोल्यूशन क्या होने वाला है ये बताऊंगा, और आपको ध्यान क्या देना है ये बताऊंगा, और क्या इसका रिफंड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी बताऊंगा। तो कम्प्लीटली है वीडियो को एंड तक देखो, इसका सोल्यूशन क्या है आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय मेरे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इसको करना क्या है आपको, कैसे आप जो ऑर्डर किए थे अगर उस ऑर्डर की जगह आपका गलत ऑर्डर आ चुका तो फिर आपको रिफंड कैसे लेना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखते चलो वरना आपको बहुत पछतावा होएगा, तो भाई प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहो। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी कोई वीडियो आता है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल पाएगा, तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार। तब भी दोस्तों कोई सेल आती भाई फ्लिपकार्ट पर, तब भी दोस्तों ये वाला कांड होता है हमेशा, ठीक है, मतलब सेल पर ज़्यादा होता है। अब सेल पर ऐसा क्यों होता है ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, और इसका सोल्यूशन बताएंगे, ज़्यादा घुमा फिरा की बात नहीं करूँगा, जो भी है एकदम सटीक साफ साफ बताऊँगा, ठीक है ना। अब भाई आपने कुछ ऑर्डर कर दिया, आपका ऑर्डर पे साबुन आ गया, कुछ भी आ गया, जो आपने मंगाया था वो नहीं आया, उसके बदले कुछ और आ चुका है, तो भाई यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान दोस्तों ये देना है कि भाई जब भी कुछ आप ऑर्डर करो फ्लिपकार्ट से, ये ध्यान रखना, जब भी कुछ ऑर्डर करो, जब भी आपके पास ऑर्डर आता है तो आप कोरियर पार्टनर पास खड़े होकर तुरंत उसका वीडियो बनाओ, जब भी आप उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ, ठीक है ना, वहाँ तुरंत बनाना है वीडियो, ऐसा नहीं घर लाना है आपको तो ऐसे में कंपनी समझे कि यार आपने इसको पैक करके दोबारा वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं। सेलर आपका जो कोरियर पार्टनर है उसका भी वीडियो ऐसा देखना बनाना है, अनबॉक्सिंग करता है तब भी वीडियो बनाना, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके पास एक प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ आपके सामने कोरियर पार्टनर के सामने ये वाला ऑर्डर निकला है, ये प्रोडक्ट निकला है, गलत है, रॉन्ग प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब भैया आपके पास वीडियो हो चुकी है सेव, ये आपका एक प्रूफ होगा, ठीक है ना। अब भैया आपको सिंपल रिफंड में जाके घर जाना है, उस फ़ोन को जो भी आपने मिला है उसको रिफंड में क्लिक करना है। अब भाई जब भी दोस्तों आप रिफंड करते हो दोस्तों, तो भाई आपको सिंपल रिफंड करते वक्त आपको बोलना है कि रॉन्ग प्रोडक्ट है, मेरे पास वीडियोस वगैरह भी है, ठीक है ना। अब भाई आपका जो रिफंड दोस्तों जब जाएगा तो वो हो सकता है कि बार बार रिजेक्ट भी हो जाए, तो भाई यहाँ पर आपको वीडियो ज़रूर बना के रखना है, ये आपका पहला प्रूफ होगा, ठीक है ना, कि आपने आपका कोरियर पार्टनर अपने पास लेने आएगा, वो देखेगा कि आप खोल के देखेगा वो, ठीक है, कि यार मैंने ये ऑर्डर किया था भाई, आप ऑर्डर गलत दे रहा, तो भाई आप दिखाना कि ये वीडियोस है, ठीक है ना। हमें एक टेक्नीशियन विजिटर आएगा, ठीक है, आपके घर आएगा या फिर आपके ऑर्डर पास आएगा, तो भाई वो ऑर्डर आप देखेगा। आप कंपनी दोस्तों क्या करेगी भाई, जिसका भी दोस्तों ये प्रोडक्ट है उसके सेलर से कॉन्टैक्ट करेगी कंपनी वाला, और भाई सेलर से वो वीडियो मांगी करेगी कि यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई, जैसे भाई आपने कुछ, जैसे भाई ये वाला फ़ोन आपने ऑर्डर किया तो जिसका भी ये फ़ोन है, जिस सेलर का फ़ोन था ये, ठीक है ना, उसके बदले कुछ और आया है, तो भाई उस सेलर से एक कंपनी उससे एक बायोमेट्रिक, जब एक फिज़िकल वीडियो एक मांगेगी उससे पैकिंग करते वक्त की, उसकी भी एक वीडियो मांगेगी फ्लिपकार्ट, ठीक है, किससे मांगेगा, वो सेलर से मांगेगा, जब उसने पैक किया था, उसने सेट करके भिजवाया था कोरियर पार्टनर को, तब एक वीडियो मांगेगा। अगर वो वीडियो बहुत मुश्किल है, अगर उसके पास कोई वीडियो नहीं था, उसका कोई कुछ प्रूफ नहीं था उसके पास, तो इसका मतलब यह कि आपका जो रिफंड है वो कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ किसी ने गड़बड़ कर दिया है, इसके बाद उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। तो भाई ध्यान देना, जब भी कुछ आप ऑर्डर करो, आपको सेलर से कोई मतलब नहीं है, सेलर पास से आपको मतलब नहीं है, सेलर भेजता उससे कोई मतलब नहीं है, आपने जो ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट, जो देखा आपने उसको ऑर्डर किया, आपको सिर्फ उसका सैंपल वीडियो होना चाहिए आपके पास ओरिजिनल, कि हाँ मैंने इस सामने किया, मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा सकता हूँ कोरियर पार्टनर के सामने मैंने किया था, तो आप इसमें बच जाएंगे, ये सेफ्टी सबसे बड़ी है, तो हमेशा, और इससे आपका रिफंड भी अप्रूव हो जाएगा, इससे आपका रिफंड मिलने का 100% श्योर चांस है। सो गाइस भाई प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो फ्लिपकार्ट की आगे भी लाता रहूँगा, उसका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।